क्वेश्चन नंबर 4. इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू एम एंड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू एन सो दैट एम एन इक्वल टू 1. तो इस क्वेश्चन में टू इक्वेशन गिवन है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू एम एंड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू एन. और हमें प्रूव करना है ये एम एन इक्वल टू 1. तो सपोज हम इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं और इसको सेकंड, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सो वी गेट, तो ये लेफ्ट वाले लेफ्ट तरफ मल्टीप्लाई होगा, ये कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू एम इंटू एन. और इसमें हम यूज करेंगे एलजेब्रिक आइडेंटिटी, तो उसके अकॉर्डिंग ये होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम एन. यहाँ पे हमने यूज किया है, वी नो दैट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड वी नो दैट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. सो देयरफॉर एम एन इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड.